अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वान मसाला टीवी। आज हम हायर के अप्लायंसेस को यूज़ करते हुए लेमन चिकन पास्ता बनाएंगे, लेकिन पहले हम बहुत ही मज़ेदार से फ्रूटी एनर्जी बार्स बनाएंगे। ये आप बेक करेंगे हायर के बिल्ट इन अवन में, और हम हायर का हॉब यूज़ करके यहाँ सबसे पहले एक बड़ा सेब था, ठीक है, उसको आप चॉप कर दीजिएगा। पानी है मेरे पास यहाँ, उसको हम गर्म करते हैं। सेब को हमें पकाना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइसिंग शुगर, आप कैस्टर शुगर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, इसे एक वाटर कप जितना पानी है, सेब है, आइसिंग शुगर है। ये जब तक पकेगा मैं आपको दूसरे अज्जा बताती चलूँ। एप्पल जूस या ऑरेंज जूस लीजिएगा, ये आप ओट्स लीजिएगा 250 ग्राम्स, मक्खन है 150 ग्राम्स, सफ़ेद तिल हैं ये, सेसमी सीड्स, मिक्स नट्स मैंने लिए हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, जो भी कुछ आपके पास हो, और खजूर हैं यहाँ, दे आर अबाउट 150 ग्राम्स स्टोन्ड, यानी कि पिटेड, यानी कि बीज निकालने के बाद, और यहाँ काली और पीली वाली किशमिश हैं, और उसके अलावा चेरीज़ हैं। तो ये सारे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और बहुत ही मज़ेदार से ये बार्स बनते हैं। ये आप बनाएंगे, और आप इसको किस चीज़ में बनाएंगे, हम एक पायरेक्स के डिश में बनाएंगे। एक ऐसा डिश लीजिएगा जो इस तरह का ऊंचा हो, ठीक है, बहुत फ्लैट डिश होगा तो वो बार्स आप कट नहीं कर सकेंगे, इसीलिए मैंने इस तरह का 6 इंचेस या 8 इंचेस का आप पायरेक्स का डिश लीजिएगा, जिसमें जब ये बार्स सेट होंगे तो यू कैन कट देम आउट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें ये तो यहाँ हमारा बॉयल हो रहा है, पानी है, आइसिंग शुगर है और सेब है। ओके, मैं यूज़ कर रही हूँ हायर का ये हॉब, 90 सेंटीमीटर्स वाइड है, ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये कांच है, ये टूटता नहीं है, और इसके अलावा बहुत ही सेफ और स्मार्ट हॉब है, तो ज़रूर आप भी खरीदिएगा इफ़ यू लुकिंग फॉर अ नाइस हॉब। अच्छा, ओट्स जो हैं उसका हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो ये सेब हो गया, सेब जब हो जाएगा थोड़ा सा आप इसको ठंडा करिएगा, फिर हम डेट्स को ये जूस के साथ फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में रखेंगे। एप्पल जूस या ऑरेंज जूस लीजिएगा, खजूर इसमें चले गए। रमज़ान के हवाले से रेसिपी है ये, देखें ओट्स तो हम खाते ही हैं रमज़ान में, नट्स फ्रूट्स भी हैं और उसके अलावा खजूर है, सो ये इसी तरह रेसिपी ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। अच्छा, सेब जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, सेब को भी मैं ऑरेंज जूस और डेट्स के साथ डाल दूंगी, और फिर हम थोड़ा सा मक्खन पिघलाएंगे, उसमें हम ये डेट प्यूरे और सारे दूसरे अज्जा अच्छी तरह सॉटे कर देंगे। एक बड़ा सा पैन लीजिएगा, ठीक है, सेब, चीनी और पानी, उसके अलावा ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, पानी, खजूर, सेब, चीनी, चीनी ले लें या आप आइसिंग शुगर ले लें, व्हाटएवर। जस्ट बीइंग केयरफुल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, ठीक है, ये अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो जाएगी जब, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ से मैं ये हटा दूँ ताकि मक्खन में हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह सॉटे कर सकें। सो एक बड़ा सा पैन ले लें, इसमें मक्खन डालिए, और फिर नट्स जो भी हो और फ्रूट जो हो उसको आप अच्छी तरह इस मक्खन में सॉटे करेंगे। आपको लगेगा कि मक्खन बहुत सारा है, लेकिन ये बाइंड करेगा आपके ओट्स को। मैं तेल के साथ इसको ग्रीस नहीं करूंगी बिकॉज इसमें इतना सारा मक्खन है, तो ये अच्छी तरह हम इसको मिक्स करके जब लगाएंगे ना, पहले आप इसमें नट्स डाल दीजिए ताकि नट्स अच्छी तरह टोस्ट हो जाएं मक्खन में ज़रा से, फिर आप फ्रूट डाल दीजिए, जो कोई भी फ्रूट आपके पास हो, चेरीज़ हो, क्रैनबेरीज़ हो, कुछ भी। फिर ये ओट्स जाएंगे यानी दलिया,
इसको टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर अवन में जब ये जाएगा, जब ये पकेगा 180 डिग्रीज पे हायर के बिल्ट इन अवन में, तब अच्छी तरह फिर ये टोस्ट होके पूरा बाइंड होगा और फिर बार्स में आप इसको काट सकेंगे जब ये ठंडे हो जाएगा। ये सेब है, चीनी है, एप्पल जूस है, खजूर है, सब कुछ इसमें आप मिक्स करिए। लिक्विड ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन ओट्स इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। कोई से भी नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी मेवा आपको कुछ भी डालना है आप डाल सकते हैं। जो बच्चे दलिया नहीं खाते हैं उनको इस तरह कुकीज़ बनाएं या इस तरह की चीज़ें बना के खिलाएं। इसको थोड़ा सा हम पहले इसमें सुखाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसको टिन में निकाल देंगे और सेसमी सीड्स के साथ यानी तिल के साथ ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये मैं जो चेरीज़ हैं ये भी अंदर डाल देना चाह रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। अब वक्त हो चुका है इसको यहाँ रख लेने का इसमें। पूरा उठा के इसमें डिश में आप रख दीजिए और उसके बाद ये चीज़ें आप बना के रख सकते हैं। इवन सहरी पे आप इसको खा सकते हैं। जस्ट अ बार और टू, पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छी तरह प्रेस डाउन करिए, ठीक है। और जो तिल हैं, सेसमी सीड्स हैं, उनको आप ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरह। यहाँ से आई वॉन्ट टू टेक आउट अ चेरी और मैं यहाँ इसको रखना चाह रही हूँ, ठीक है। ये हर जगह आपने तिल स्प्रिंकल कर लिए, एक से दो चम्मच जितने हैं। अब इसको आप हायर के बिल्ट इन अवन में बेक होने के लिए रख देंगे, ठीक है। अवन मैंने प्रीहीट किया हुआ है। 7 फीचर्स हैं इस अवन में। फ़ैन भी आपको नज़र आ रहा है, कन्वेक्शन फ़ैन है। ये देखें, अबाउट 180 डिग्रीज, और ये नीचे वाला सिर्फ मैंने फंक्शन ऑन किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, फ़ैन के साथ, फ़ैन के बगैर, नीचे का, ऊपर और नीचे का, फ़ैन के साथ, इस तरह। टाइमर भी है और ये जो ग्लास है बहुत ही क्लियर है, आपको नज़र आता है क्या अंदर पक रहा है, क्या बेक हो रहा है। और इसको आप निकाल के खोल के अच्छी तरह साफ़ भी कर सकते हैं। सो रियली गुड क्वालिटी ऑफ हायर बिल्ट इन अवन। चलिए जी, अब ऐसे करते हैं, हम क्लीन अप करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम चिकन पास्ता लेमन सॉस बनाना आपको सिखाएंगे, क्रीमी सा, मज़ेदार सा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। तो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, लेमन चिकन पास्ता बनाते हैं। मैंने पहले पास्ता बॉईल करके यहाँ रख दिया है। बड़ा सा पतीला लीजिएगा, बहुत सारा पानी डालिएगा, उसमें आप डालिएगा थोड़ा सा तेल और नमक और पास्ता डाल के बॉईल कर दीजिएगा। पास्ता को कभी मशी नहीं करते हैं, अल डेंटे यानी कि एक बाइट उसमें होना चाहिए। चिकन है, लेमन जूस हम यूज़ करेंगे इसमें से, क्रीम है, नमक है, और हम इसमें चिकन का स्टॉक क्यूब डालेंगे। इसके अलावा हम लेमन जेस्ट यानी उसका छिलका डालेंगे, गार्लिक पाउडर है और काली मिर्चें हैं। सो चिकन ब्रेस्ट के जो फिले के स्ट्रिप्स काटे हैं उसमें आप थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालिए और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्चें डालिए। इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा नमक डालिए। नमक बहुत सारा नहीं डाल दीजिएगा बिकॉज हम ऑलरेडी यूज़ करेंगे स्टॉक क्यूब। अच्छा जी, अब या तो आप इस चिकन को अवन में, हायर के बिल्ट इन अवन में कर दीजिए या ग्रिल पैन पर कर दीजिए, या बहुत थोड़े से तेल में इसको यहाँ हायर के स्मार्ट हॉब पे पका लूंगी। बहुत आसान रेसिपी है, कोई प्याज नहीं, लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत आला आएगा, आप बना के देखिएगा। और हर चीज़ में, हर दफ़ा पास्ता में कुछ आप सब्जी नहीं डालें, ठीक है। जिस तरह की रेसिपी है उसी तरह आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। As you can see, हमारे अवन में ये फ्रूटी एनर्जी बार्स हो रहे हैं। मैंने थोड़ी टेम्परेचर बढ़ाई है
और इसके अलावा मैंने ऊपर और नीचे का फंक्शन अप कर दिया है ताकि ऊपर से भी अच्छा सा उसको कलर भी आए और हमारे जो सेसमी सीड्स हैं, सफ़ेद तिल हैं, वो टोस्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह। जब ये सूख जाएगा मिक्सचर, जब ये यकजान हो जाएगा और ये ठंडा होगा, तब आप इसके बार्स काट सकेंगे या स्क्वायर्स काट सकेंगे। 90 सेंटीमीटर्स वाइड ये हॉब है, 3 बर्नर्स इन अ रो है, ब्रास के ये बर्नर्स हैं, आप देख सकते हैं, और कांच है ये, टेम्पर्ड ग्लास है, टूटता भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप दूध वगैरह कुछ उबालने रखें इस चूल्हे पे और भूल जाएं और वो उबल जाता है तो दूसरे चूल्हों में क्या होता है कि गैस की सप्लाई चलती रहती है, इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली गैस की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, इट इज़ सो गुड बिकॉज अदरवाइज दैट इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड, इट्स अ हैज़र्ड इन योर किचन, राइट, कि गैस चलती रहेगी और फिर धमाका हो सकता है। सो यहाँ आपने पहले अच्छी तरह नमक और कुटी हुई काली मिर्ची और लहसुन के पाउडर में चिकन ब्रेस्ट फिले को सौते कर दिया तेज़ आंच पे, या आप इसको अवन में पका लीजिए या आप इसको ग्रिल पैन में कर लीजिए। पूरी चिकन ब्रेस्ट को करके फिर आप स्लाइसेस काट सकते हैं, मैंने पहले ही स्लाइसेस काट लिए हैं ताकि जल्दी से ये पक जाए। आई होप आप हमारा शो देख रहे हैं, रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, सहर और इफ्तार की मिक्स रेसिपीज़ मैं सिखा रही हूँ, इसके अलावा डिनर की भी मैं चीज़ें सिखा रही हूँ, तो ज़रूर नोट करिएगा, बनाइएगा, सारी नई रेसिपीज़ हैं तो ये हमारे सारे शोज़ देखिएगा, बहुत सारे एपिसोड्स हैं इसके। चलिए अच्छी तरह जब कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें लेमन जूस डालना है, ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार सा, टैंगी सा, खट्टा सा होगा, इसमें हम क्रीम भी शामिल करेंगे और लेमन का छिलका डालेंगे तो उससे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा, रिफ्रेशिंग सा। ये जेस्ट ले लीजिए और इस तरह आप जेस्टर से इसको डालिए इसमें। टर्न करते रहिएगा, सिर्फ येलो पार्ट आए, व्हाइट पार्ट नहीं आए, वरना उससे करवाहट आ जाती है खानों में। चलिए ये भी हो गया, अब हम इसमें चिकन का स्टॉक क्यूब डालेंगे, ठीक है जी, ये हो गया। और चिकन का स्टॉक क्यूब डालते हैं तो हमें इसका एक स्टॉक बनाना पड़ता है जिसकी वजह से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बस अब जब ये डिसॉल्व हो जाएगा इसमें हमें पास्ता फोल्ड इन करना है और क्रीम, एंड दैट्स इट। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है ही नहीं, बच्चे भी बना सकते हैं, आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। ये यहाँ बेक हो रहा है, सी साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा बबल भी हो रहा है और ऊपर से भी काफ़ी ड्राई हो गया है, इसका मतलब है कि इसको बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। जब भी आप एप्पल को डालें तो कम पानी डालिएगा, बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, एप्पल को हल्का सा आपने स्टू करना है, इसमें पक जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा चिकन स्टॉक क्यूब भी डिज़ोल्व हो गया है, अब इसमें जाएगा पास्ता। मैंने पेने यूज़ किया है, आप कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। पास्ता डालने के बाद कुछ ज़्यादा इसको आप चलाइएगा नहीं, वरना क्या होगा, पास्ता टूट सकता है। क्रीम शामिल करिए और ये आपका की रेसिपी रेडी। कितनी झटपट रेसिपीज़ हैं, रमज़ान में किसके पास टाइम है टू स्टे इन द किचन फॉर सो लॉन्ग, तो बस ये हो गया, क्रीमी सी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी, ठीक है। अब सॉस हमेशा मैं पास्ता में रखती हूँ बिकॉज अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे तो ये सारा का सारा सॉस अब्जॉर्ब हो जाएगा, सो मेक श्योर के थोड़ा सा सॉसी हो पास्ता, वरना बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। और बिल्कुल एंड में आप पास्ता फोल्ड करेंगे, ठीक है, पहले से पास्ता डाल के नहीं छोड़ दीजिएगा। सारी चीज़ें आप सुबह में बना सकते हैं, फिर इफ्तार के टाइम पर पास्ता फोल्ड इन कर दीजिए। रेडी, अब इसमें आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें कोई सब्ज़ी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन फिर हर दफ़ा एज आई सेड फिर सेम ही वो चीज़ हो जाती है,
कुछ लोग क्या करते हैं, सॉसेस को थिकन कर देते हैं कॉर्नफ्लावर डाल के. हर चीज़ में कॉर्नफ्लावर नहीं डलता है. जस्ट लेट दिस सिट और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो सॉस है वो पूरा जज्ब हो कर लिया है पास्ता ने. ठीक है, सो आई होप आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे. बहुत आसान रेसिपी है. इनफैक्ट दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत आसान हैं. इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना था, बट येट ये इतना मज़ेदार बनता है. इसको आप छोटे रैमेकिंस में इंडिविजुअल भी बना सकते हैं. अगर डिज़र्ट के तौर पे सर्व करना है विथ अ स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम और ऊपर से आप चॉकलेट सॉस डालें या आप कोई कैरमल सॉस डालें, तो ये एक बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट पुडिंग भी बन सकता है. तो दो तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी. आप इनको बनाएंगे, हमें फीडबैक देंगे, हमारे सारे एपिसोड्स हायर के इस मज़ेदार से स्मार्ट कुकिंग शो को देखेंगे. तो चलिए ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो. जी वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी. और ये जो क्रीमी लेमन सॉस वाला चिकन एंड पेने पास्ता है वो निकाल देते हैं अब डिश में. सॉसी, ठीक है, सॉस इसका रखिएगा और पास्ता बिल्कुल मशी ना हो, ये प्लीज याद रखिएगा. हमारे फ्रूटी एनर्जी बार्स फुल ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स वो भी रेडी हैं, बन गया है वो भी. बस ये है कि आपको इसको ठंडा करना है और फिर आपको इसको काटना है. सो हम आपको दिखाएंगे काट के भी बाद में, अभी नहीं. अच्छे ये ऊपर तिल टोस्ट हो गए हैं और ये सब कुछ रेडी. देखा आपने, ये देखो. फ्रूटी एनर्जी बार्स, अच्छा, सेब एक अदद, आइसिंग शुगर 2 चाय के चमचे, पानी 2 चाय के चमचे, मक्खन अनसॉल्टेड 150 ग्राम, खजूर 150 ग्राम, ऑरेंज या एप्पल जूस 3 खाने के चमचे, मिक्स नट्स कुटे 30 ग्राम, मिक्स फ्रूट चेरीज किशमिश करंट्स 150 ग्राम, दलिया 250 ग्राम, तिल के बीज 1.5 चाय का चमचा. तरकीब, सेब का छिलका उतार कर इसे चीनी में मिक्स कर लें. अब एक पैन में सेब और पानी डालकर पकने दें यहाँ तक कि सेब गल के नरम हो जाए. फिर इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख दें. अब ब्लेंडर में खजूर और ऑरेंज या एप्पल जूस को ब्लेंड कर लें. फिर इसमें पके सेब को डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें. एक पैन में मक्खन गर्म करके इसमें खजूर की प्यूरी और तिल के बीज के अलावा सारे अज्जा को डाल दें. अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें और तिल के बीज छिड़क दें. फिर इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें और ओवन से निकाल कर 10 मिनट ठंडा कर लें. अब इसे स्लाइसिस में काट कर टिन में डाल दें. चिकन लेमन पास्ता, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 3 अदद, लीमू 1 अदद, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 2 कप, लीमू का रस 1/4 कप, उबला पेनी पास्ता 2 कप, क्रीम 1 कप, कद्दूकश लीमू का छिलका 1 चाय का चमचा. तरकीब, 3 अदद चिकन ब्रेस्ट पर 1 अदद लीमू छिड़क कर 2 चाय के चमचे गार्लिक पाउडर और 1 चाय का चमचा पिसी काली मिर्च डालें. अब इसे इतना बेक ग्रिल या पैन फ्राई करें कि चिकन अंदर से गुलाबी ना रहे. आहिस्ता आहिस्ता एक सॉस पैन में 2 कप चिकन स्टॉक डाल के थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और पिसी काली मिर्च डालकर उबाल आने दें. अब इसमें लीमू का रस और 3 अदद चिकन के टुकड़े शामिल करें. अब इसमें 2 कप उबला पैनी पास्ता और 1 कप क्रीम और 1 चाय का चमचा कद्दूकश लीमू का छिलका शामिल करें और हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाएं. अब इसे चूल्हे से हटाकर 5 मिनट तक छोड़ दें, फिर सर्विंग से पहले मिला लें. सो आई होप आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे. एज आई सेड, जब ये ठंडा होगा तो ईजिली आप इसको स्क्वायर्स में या बार्स में काट सकेंगे और इसको आप चिकन एंड लेमन सॉस जो है पास्ता के साथ जो है वो आप सर्व कर सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ, डिनर रोल्स के साथ. आई होप आप ये रेसिपीज़ नोट करेंगे और उनको ज़रूर बनाएंगे.
नाउ अगर आप चाहें तो हर बार के ऊपर आप एक एक रेड चेरी रख सकते हैं, या अल्टरनेट करें, एक पे रेड चेरी रखें, एक पे बादाम रखें, एक पे अखरोट रखें, जो चीज़ें आपने अंदर डाली हैं उसी के साथ आप उसको डेकोरेट करिएगा। और ये बार्स बना के जाली पे रखिएगा काट के ठंडा होने के लिए, और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप उसको क्या करेंगे, डब्बा भर देंगे और एन्जॉय करेंगे। और बच्चों को ज़रूर खिलाइए नट्स फ्रूट्स, जो भी बच्चे नहीं खाते हैं चीज़ें उनको इस तरह मिक्स करके छुपा के खिला दीजिए। सो आई होप यू नोटेड डाउन ऑल दीज रेसिपीज, आप इनको ज़रूर ट्राई करेंगे यूजिंग ऑल दीज हायर अप्लायंसेज। हमने ये शो प्रेजेंट किया है द स्मार्ट कुकिंग शो बाय हायर, सो आई होप आप देखेंगे हमारे साथ ये सारे एपिसोड्स और ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इस शो का। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़। Thank you.